चाईबासा शहर में कई जगहों पर छापेमारी, प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद। झारखंड सरकार ने तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद चोरी छुपे इसकी बिक्री हो रही है। शिकायत मिलने पर चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा शहर में आधे दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की गई। अनुमंडल पदाधिकारी शशिंद्र कुमार बड़ाइक और SDPO अमन कुमार पांडे के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी भी मौजूद थे। पदाधिकारियों द्वारा मंगला हाट में छापेमारी की गई, जहां से पान मसाला और गुटखा बरामद हुआ। गांधी मैदान के पास एक घर में छापेमारी की गई, जहां से तंबाकू और उससे बने उत्पाद बरामद किए गए। हनुमान मंदिर के पास राम अवतार अग्रवाल के घर में छापेमारी की गई, जहां ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन एक बंडल बीड़ी बरामद हुआ। संभवतः छापेमारी की खबर मिलते ही वहां से सारा कुछ हटा दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद की बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आज शहर में तो हम लोगों को कुछ गुप्त जानकारियाँ थी या सूचनाएँ थी, उन सूचनाओं के आधार पर हम लोगों ने आज मंगला बाजार से लेके विभिन्न जगहों पर सात आठ जगहों पर हम लोगों ने छापा मारा थी। इसमें से दो तीन जगह पर हम लोगों को गुटकार तंबाकू बरामद किए गए, और बाकी अभी हम लोगों के पास और भी आउटपुट है। उसके आधार पर हम लोग और भी आगे छापामारी का अभियान जो है हम लोग You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।